हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मिंद्रिता। आज की वीडियो में हम करेंगे लॉन्गेस्ट बाइटोनिक सबसीक्वेंस। डीपी का ये क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने किया था लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आपने पहले ये क्वेश्चन नहीं देखा तो आप पहले ये क्वेश्चन जाके जरूर देखें। अब सबसे पहले बाइटोनिक होता क्या है। बाइटोनिक सब मतलब बाइटोनिक का मतलब है कि फर्स्टली इट शुड इंक्रीज एंड देन इट शुड डिक्रीज। कि जैसे माउंटेन है कि मतलब पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ मिसिंग भी हो सकती है, कि मैं इसको भी बाइटोनिक सब सीक्वेंस कहूँगा, मतलब इसको भी बाइटोनिक सीक्वेंस कहूँगा, इसको भी बाइटोनिक कहूँगा। इसमें क्या है कि डिक्रीजिंग पार्ट नहीं है, इसमें इंक्रीजिंग पार्ट नहीं है, ये भी बाइटोनिक सीक्वेंस है, ठीक है। मेरे को क्या है कि एक एरे दिया है और उसमें मेरे को बताना है कि लॉन्गेस्ट बाइटोनिक सब सीक्वेंस कौन सा है। सब सीक्वेंस का मतलब कि क्या है कि मेरे को इस एरे में से एलिमेंट्स लेने हैं जिस ऑर्डर में आए उसी ऑर्डर में। जैसे मैंने पहले वन ले लिया फिर टू ले लिया, जैसे मैंने पहले वन ले लिया फिर टू ले लिया, फिर सिक्स ले लिया, फिर एट ले लिया, फिर टू ले लिया, तो ये भी एक बाइटोनिक सब सीक्वेंस है क्योंकि उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स हमने लिए हैं जिस ऑर्डर में एरे में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मेरा एक बाइटोनिक सब सीक्वेंस हो गया। तो ऐसे ही मेरे को बताना है कि जो लॉन्गेस्ट बाइटोनिक सब सीक्वेंस होगा उसकी लेंथ क्या होगी, वो हमें चीज़ बतानी है। अगर हम ध्यान से देखें जो बाइटोनिक सबसीक्वेंस है उसके दो साइड्स हैं, एक इंक्रीजिंग साइड है एक डिक्रीजिंग साइड है। मतलब एक एक एलिमेंट ऐसा है बीच में जो कि पीक एलिमेंट है, वहां तक क्या है कि इंक्रीज होंगे नंबर्स, उसके बाद जाके डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि हम सोचते हैं कि क्या हम इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमसे सिर्फ पूछा जाता कि हाँ हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस फाइंड करना है, तो उसमें क्या था हमारा, उसमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस यही होता है कि जैसे मेरा वन था फिर टू था फिर सिक्स था, ये एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है क्योंकि सिक्स के बाद हमने नीचे नहीं गए ना ही, मतलब सिक्स के बाद हम नीचे नहीं गए, ठीक है। तो ये मेरा एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस था। बट हमें तो पता है ना कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कैसे फाइंड करना है, पिछले क्वेश्चंस में देखें। तो मतलब क्या है कि इतना जो मेरा सॉल्यूशन है ये तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो गया, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया फिर, जैसे ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है वैसे ही ये लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो गया। मतलब क्या है कि अब मेरे को क्या करना है कि पीक एलिमेंट, अब क्या है कि पीक एलिमेंट कोई भी हो सकता है, मेरे को क्या करना है कि हर हर एक पॉइंट पे जाके देखना है। कि जैसे मैं सिक्स ले लिया, ठीक है, तो मैंने क्या किया सिक्स को पीक मान लिया। अब मैं देखूंगा कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या है सिक्स तक, सिक्स तक मान लो पीछे से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या आ रहा है, वन टू एंड सिक्स, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास थ्री। अब क्या है कि सिक्स से लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या है, तो सिक्स से लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या जा रहा है, सिक्स के बाद नीचे जा रहा है फोर, फिर जा रहा है टू, फिर जा रहा है वन, तो इसकी इसका आंसर आ गया मेरे पास फोर। तो ये थी थ्री लेंथ, ये थी फोर, सिक्स दोनों बार काउंट हुआ, तो बाइटोनिक सीक्वेंस की लेंथ कितनी होगी, सिक्स थ्री प्लस फोर माइनस वन। ऐसे ही क्या है कि हम हर एलिमेंट को पीक एज्यूम कर लेंगे क्योंकि पीक तो कुछ कोई भी हो सकती है ना। मैंने कहा कि आपको अगर ऐसा हो गया, ये भी बाइटोनिक सीक्वेंस है, तो इसमें क्या है कि पीक लास्ट एलिमेंट पर होगा, पीक मिडल में भी हो सकती है, पीक स्टार्टिंग में भी हो सकती है, तो हमें नहीं पता कि पीक एलिमेंट कौन सा होगा। हम क्या करेंगे, हर पॉइंट को पीक एज्यूम करेंगे और देखेंगे कि उस वो पॉइंट अगर पीक होता तो उधर से बाइटोनिक जो सीक्वेंस बनता उसकी लेंथ कितनी है। फिर उसके बाद में ऐसे ही देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जिसकी लेंथ बन रही है वही हमारा आंसर है, ठीक है। अब क्या है कि ये चीज़ तो हमें आती है फाइंड करनी, ये चीज़ कैसे फाइंड करते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास सिक्स है, वैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया हुआ है बट एक बार बता दूं कि जैसे मेरे पास है सिक्स, तो मेरे को बताना है कि सिक्स पे एंडिंग होने वाला जो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है उसकी लेंथ कितनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, ये जैसे ये सिक्स है, ये वन है, ये टेन है, ये टू है, सिक्स है, मेरे को बताना है कि यहाँ पे ख़त्म होने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ क्या है। तो मेरे को क्या पता होना चाहिए था कि जो प्रीवियस जो सब सीक्वेंस है, सिक्स को सबसे ऊपर आना है, जो प्रीवियस सब सीक्वेंस है उसका जो एंडिंग है दैट शुड बी लेस देन सिक्स, ठीक है। मैं देखूंगा कि सिक्स से छोटा कहाँ कहाँ एंड हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो है ये सिर्फ वन है, तो यहाँ पे लेंथ है वन, ये टू है,
यहाँ पे टू पे एंडिंग होने वाले की लेंथ है टू, तो अब क्या है कि दो मेरे पास सब सीक्वेंस है सिक्स से पहले, जो कि सिक्स से पहले एंड हो रहे हैं। अब क्या है कि ये वाला जो सब सीक्वेंस है इसके पीछे अगर मैं सिक्स लगा दूं तो लेंथ थ्री बन रही है, ठीक है। तो मतलब मेरा क्या बना था कि मेरे को एल आई एस अगर फाइंड करना है आई एथ इंडेक्स पे, तो मेरा क्या था कि डीपी ऑफ आई, मैं क्या कि प्रीवियस सारी पे चेक करता हूं, जैसे मैंने सिक्स पे फाइंड करना है ना लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एंडिंग वाला, तो मैं क्या कि प्रीवियस सारी पे चेक करूंगा, अगर वो एलिमेंट मेरा सिक्स से छोटा है, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा सिक्स से जो छोटे हैं ना उनमें से जिसका ज्यादा आएगा आंसर उसमें वन ऐड कर दूंगा, तो वो मेरा सिक्स पे एंडिंग होने वाला बन जाएगा। तो मेरा क्या बनेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को डीपी ऑफ आई फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जे जे लेस देन आई, जे प्लस प्लस, प्रीवियस सारे पे गया मैं, फिर मैंने क्या देखा कि इफ जो एलिमेंट है लेट से ये एरे है, तो मैंने क्या देखा कि इफ एरे ऑफ जे इज लेस देन एरे ऑफ आई, इसका मतलब है कि जो टू पे एंडिंग वाले वाला मतलब सिक्स से स्मॉल है एंडिंग होने वाला सबसीक्वेंस, क्योंकि सिक्स तो पीक होगा ना, तो लास्ट जो सबसीक्वेंस है उसकी एंडिंग सिक्स से छोटी होनी चाहिए। तो ये वही देख रहे कि अगर एलिमेंट कोई छोटा है, ठीक है, फिर क्या है कि अभी तो जैसे मैंने देखो वन है, तो वन वन के पीछे मैं ऐड कर दूँ सिक्स तो मेरा आंसर है टू, बट टू को फिर मैं रिप्लेस करूंगा थ्री से जब मेरे को ये वाला सबसीक्वेंस मिल जाएगा। तो वही मैंने मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैक्सिमम कैसे फाइंड कर देंगे कि एंड डीपी ऑफ जे प्लस वन इज ग्रेटर देन डीपी ऑफ आई, अगर अभी जो मेरे पास सबसीक्वेंस फाइंड किया है जैसे वन है वन के बाद सिक्स है, तो सबसीक्वेंस फाइंड किया था मैंने दो टू लेंथ का, फिर जब पीछे थ्री ऐड कर दिया तो सबसीक्वेंस हो गया मेरा थ्री लेंथ का, तो मतलब टू प्लस वन इज ग्रेटर देन टू तभी हमने रिप्लेस किया था ना, तो इधर आ जाएगा मेरा डी पी ऑफ आई इक्वल्स टू डी पी ऑफ जे प्लस वन, ठीक है। ऊपर वही लूप थी, मेरे को हर एक एलिमेंट के लिए फाइंड करना था, फोर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो ये था मेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का, ठीक है। वैसे ये देखो तो ये भी तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, चाहे लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग कह लो। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग कैसे है कि हम इधर से जा रहे थे और इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग देख रहे थे, बट अगर हम इधर से चूज करें, हम इधर से देखना स्टार्ट करें, तो फिर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो गया ना। अगर मैं डायरेक्शन ही चेंज कर दूं इस पॉइंट से, तो ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो गया ना, अगर मैं इधर से देखना स्टार्ट करूं। तो हम क्या है कि सेम चीज़ करेंगे बट इस डायरेक्शन से अब देखना स्टार्ट कर देंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, अगर इस डायरेक्शन से देखना स्टार्ट करेंगे तो मेरे को ऊपर वाली लूप पीछे से चलनी स्टार्ट होगी, फोर आई इक्वल्स टू एन माइनस वन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस, ठीक है, पीछे से वैल्यूज फाइंड करना स्टार्ट करेंगे हम, और जो लूप है दूसरी जे वाली वो स्टार्ट होगी जैसे ये आई है ना, तो आई के बाद एंड एन से पहले, फोर जे इक्वल टू आई प्लस वन, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ फोर जे इक्वल्स टू, इधर मैंने नहीं देखा, हाँ फोर जे इक्वल्स टू एन माइनस वन, जे ग्रेटर देन आई, जे माइनस माइनस, तो इधर भी सेम चीज़ आ जाएगी, अंदर वाली सारा स्टाफ सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अंदर क्या आ गया कि इफ ए आर आर ऑफ जे, अब क्या है कि आई इधर है और जे मेरा इधर से वेरी करेगा क्योंकि हमने इधर से देखना स्टार्ट किया था, पिछले में क्या था हमारा आई था इधर और जे हमने यहाँ से चलाना स्टार्ट किया था, अब इधर से कर रहे हैं, बट देख तो यही रहे हैं ना कि जे से बड़ा होना चाहिए आई, ठीक है, इधर भी हम यही देख रहे थे कि जे से बड़ा होना चाहिए आई, तो इधर भी वही देख रहे हैं जे से बड़ा होना चाहिए आई, इफ बस डायरेक्शन बदल दी, इफ ए आर आर ऑफ जे, हाँ इफ ए आर आर ऑफ जे इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई एंड डी पी ऑफ जे प्लस वन इज ग्रेटर देन डी पी ऑफ आई, देन डी पी ऑफ आई इक्वल्स टू डी पी ऑफ जे प्लस वन, ठीक
ठीक है, हमने क्या कर दिया, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग भी फाइंड कर दिया, लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग भी फाइंड कर दिया। अब क्या कि ये दो दो अलग अलग एरे लेना, तो मान लो कि यहाँ पे जो मैंने लिया था एरे स्टोर करने के लिए वैल्यूज, वो मैंने ले लिया डी पी ऑफ एल आई एस, और ये डी पी की जगह मैंने ले लिया डी पी ऑफ लोएस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ठीक है, अब क्या है कि मेरे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब मेरे को आंसर कैसे फाइंड करना है, मैंने कहा था कि कोई भी एलिमेंट पीक हो सकता है। ठीक है, तो क्या है कि मेरे को हर एक एलिमेंट को पीक कंसीडर करके देखना पड़ेगा कि उस एलिमेंट को, अगर वो एलिमेंट पीक होता तो वहां से मेरा बाइटोनिक सीक्वेंस की लेंथ क्या बनती। तो मेरे, मैं एक नई चीज बना लेता हूँ, मेरे मतलब डी पी ऑफ एल आई एस, मतलब अगर ये आई एथ एलिमेंट है तो यहां से बाइटोनिक सीक्वेंस क्या बन रहा है, डी पी ऑफ एल आई एस ऑफ आई, ये बता देगा ये वाली लेंथ, प्लस डी पी ऑफ एल डी एस ऑफ आई, ये बता देगा मेरे को ये वाली लेंथ। दोनों दो बार, आई एस वाला जो एलिमेंट है दो बार काउंट हो गया, एक कम कर दूंगा मैं, तो ये मेरे को बता देगा बाई टोनिक सीक्वेंस जिसमें पीक है आई एथ एलिमेंट। अब पीक क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आई कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लूंगा, मैक्सिमम ऑफ दिस फॉर आई वेरिंग फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, अब क्या है कि सिंपल सा है, मेरे को ये दो फाइंड करनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे को मैक्सिमम फाइंड कर लेना है कि किस पीक के लिए मेरा मैक्सिमम बाइटोनिक सब सीक्वेंस की लेंथ आ रही है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कि देखो दो लूप्स लगी मेरी ऑफ एन स्क्वायर, इसमें भी दो लूप्स लगी मेरी, बाहर वाली, आप कहोगे कि दो लूप से हमेशा ऑफ एन स्क्वायर थोड़ी होता है। ठीक है, अब देखो कि बाहर वाली लूप कितनी है, एन टाइम चल रही है, अंदर वाली लूप क्या चल रही है, बाहर वाली लूप एन टाइम चल रही है बट अंदर वाली लूप वेरिएबल है, तो कैसे आएगा कि अंदर वाली लूप क्या है कि फर्स्ट टाइम एक बार चलेगी, एक बार भी नहीं मतलब एक बार चलेगी सेकंड टाइम, फिर टू टाइम्स, फिर ऐसे करते करते लास्ट में जो है वो एन माइनस वन टाइम्स चलेगी, प्लस एन कर दिया माइनस एन कर दिया, तो ये मेरा बन गया एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस एन, तो इसमें से एन स्क्वायर वाली टर्म्स बनेगी। ठीक है, तो बाकी एन वाली टर्म बनेगी वो हटा देंगे, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी ऑफ एन स्क्वायर, ये भी ऑफ एन स्क्वायर है, मतलब ये भी एन स्क्वायर की टर्म्स में, ये भी एन स्क्वायर की टर्म्स में है, और ये ऑफ एन की टर्म्स में है, तो ओवरऑल मेरी कॉम्प्लेक्सिटी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें ऑफ एन लगेगी, ये भी ऑफ एन है, ये भी इन द ऑर्डर ऑफ एन है, ऑफ एन प्लस एन, और ये तो क्या कि मैक्सिमम ही फाइंड करना है तो एक ही वेरिएबल यूज हो जाएगा, तो ये भी मेरी बन गई ऑफ एन। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरी ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरी ऑफ एन स्क्वायर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।